हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने वाले हैं बेसन मसाला भिंडी, जो आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी, कभी नहीं खाई होगी, और वो लाजवाब जो स्वाद होता है। तो चलिए करते हैं झटपट से तैयारी बिना टाइम गंवाए हुए। तो यहाँ पर ये है हमारे पास भिंडियाँ, 250 ग्राम हमारे पास भिंडी जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने एक छन्नी में रख लिया। ये देखिए, अच्छे से साफ़ करने के बाद, और इधर हम साइड में चढ़ा देंगे एक पैन में पानी बॉयल होने के लिए। तो इसको करते हैं साइड में, चलिए करते हैं जल्दी से झटपट से तैयारी। और भिंडियों को हमें जो टॉप पोर्शन होता है उसको काटना नहीं है, ऐसे ही यूज़ करना। तो हमारे पास यहाँ पैन में पानी बॉयल हो चुका है, यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे इसमें भिंडी, ये देखिए। तो भिंडियों को यहाँ पर डालने के बाद हम बहुत ज़्यादा देर तक हमें नहीं पकाना है, 2.5 से 3 मिनट पकाना है। तो यहाँ पर इसको भिंडी को बॉयल होने देंगे अच्छे से, जैसे अच्छे से 1 से 2 बॉयल आता है वैसे गैस को कर देंगे ऑफ, ये देखिए। तो जब तक हमारी भिंडी बॉयल होती है हम कर लेते हैं दूसरी तैयारी, ये देखिए। बहुत अच्छे से पानी भी गर्म, अच्छे से बॉयल हो गया था, पानी गर्म हो गया था अच्छा सा, और ऐसे बॉयल होते हुए पानी में ही डालें। तो यहाँ पर हमने करनी छोटे से थोड़ा सा मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जीरा है, हींग है, 4 से 5 हरी मिर्च हैं, और 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं, खड़ी हरी धनिया है, ये देखिए। तो यहाँ पर इसको मुझे ग्राइंड करना है, आप चाहें तो इसको कूट सकते हैं। और इसके बाद हमने लास्ट में थोड़ी सी अजवाइन डाली हुई थी 1/2 चम्मच। तो यहाँ पर हमारी जो भिंडियाँ हैं वो अच्छे से कुक हो रही हैं, इसको एक बार और अच्छे से बॉयल आने देते हैं। इसके बाद इसको तब निकालेंगे, इसको ज़रा सा बॉयल आने देंगे, इसको दाब रहे थे तो अच्छे से कुक हो चुकी थी। तो यहाँ पर इसको थोड़ी देर रखने देंगे, यहाँ पर गैस को हमने ऑफ़ कर दिया था, और यहाँ पर हमने ग्राइंडर में कर लिया था इन सारे मसालों को, सूखा ग्राइंड करना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं साइड में। भिंडियों को हमने निकाल लिया है फिर से छन्नी में, इनको ठंडा होने देते हैं, क्योंकि जब ठंडी हो जाएंगी तभी काटते बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 से 4 बड़े चम्मच है बेसन, यहाँ पर हमने डाला हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये देखिए। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा किचन किंग मसाला, जो कि मेरे हाथों से बनाया हुआ है, इसको हमने खुद बनाया, आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाता है सभी शॉप्स में। आप किसी भी ग्रोसरी के सामान जहाँ आप लेते हैं वहाँ पर आराम से मिल जाते हैं। इनको सबको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद पहले आप इसको बेसन में अच्छे से सारे मसालों को मिला लें। इसमें हम नमक अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक हम बाद में डालेंगे, ये देखिए। तो धीरे धीरे पानी डालने के बाद हमने 2-2, 3-3 चम्मच पानी डाल रहे हैं, यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच पानी डाला हुआ, फिर इसको मिला लेंगे। एक साथ हमें पानी को ऐड नहीं करना है, क्योंकि जैसे मुझे इसकी थिकनेस चाहिए वो फिर एक साथ पानी डाल देंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो चलिए इसमें फिर से मैं थोड़ा पानी डालने वाले हैं, ये देखिए। इसको अच्छे से चला लेंगे। अब ये देखिए बेसन का कलर जो है बिल्कुल से चेंज हो चुका है, ये देखिए। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें अभी थोड़ा सा पानी और जाएगा, बेसन अभी हमारा काफ़ी गाढ़ा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तब इसको थोड़ा सा, ये देखिए, तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच पानी इसमें और ऐड कर दिया हुआ था, ये देखिए। अब मुझे इतना पतला बैटर चाहिए था, ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए मुझे। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिला देंगे, ये देखिए। मुझे ऐसे इसकी थिकनेस चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं चाहिए, बहुत पतला भी नहीं चाहिए। अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको रखेंगे साइड में। चलिए जब तक हमारी भिंडी ठंडी हो चुकी है तो करते हैं उसको कट, ये देखिए। अब इसको रखते हैं साइड में मसाले को। तो यहाँ पर ये देखिए भिंडी को इस टाइप से काट लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप अपना देखते जाइए कि भिंडी अगर कहीं कीड़े वीड़े वाली तो नहीं है, इसलिए सारी भिंडियों को मैं चेक कर करके आराम से काटूंगी, ये देखिए, चेक कर करके काटते हैं। और फ्रेंड्स, इनकी भिंडी के जो पीसेस हैं बहुत छोटे ना रखें, ये देखिए। पहले मैं काट के इनका जो टॉप पोर्शन है उसको काट दूँगी, काटने के बाद इसको तब मैं फिर से पीसेस करूँगी। तो अभी इसको मैं इसके टॉप वाले ही काट के चेक कर रही हूँ, ये देखिए। सभी को मैं चेक करती जाऊंगी बारी बारी से, रिस्क नहीं ले सकते। तो आप भी अच्छे से चेक करने के बाद आप, क्योंकि हमने इनको अच्छे से वॉश करने के बाद डायरेक्ट बॉयल किया हुआ है, क्योंकि अगर कट करके बॉयल करते तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी स्टिकी हो जाती, ये देखिए इसमें लेस आ जाती, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट बॉयल किया हुआ है। और आप भी डायरेक्ट ही बॉयल करें इसको,
इसको जो ये पतली वाले जो पार्ट है उनको हटा देंगे इस टाइप से। ये देखिए, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कट जाएगी। पीसेस को बहुत छोटा ना करें, छोटे से थोड़े बड़े रख लें, जितना आप नॉर्मल काटते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा ही रखें। ये अभी कटने में थोड़ी सी स्टिकी हो रही है, लेकिन बाद में बिल्कुल खिली खिली सी हो जाएगी। यहाँ पर जो स्टिकीपन का नामो निशान नहीं रहेगा। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने बहुत आराम से चेक कर करके काटा हुआ है भिंडी, जिसमें कि कोई भी भिंडी बेकार ना निकले। ये देखिए, तो इसी प्रकार से हम सारी भिंडियों को काट लेंगे अच्छे से। ये देखिए, तो फ्रेंड्स अगर आप ये भिंडी बनाते हैं तो सच में आप जैसे पूरे बनाते टाइम आपको इतनी अच्छी सी खुशबू आएगी भिंडी के और मसालों की, बेसन की, जैसे जैसे पकती जाती है वैसे वैसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर हमने भिंडियों को कट करके रख दिया है। इसके बाद मुझे एक तैयारी और करना है, तो यहाँ पर हमने लिया हुआ बेसिक मसाला, यहाँ पर हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर थोड़ा थोड़ा सा लिया हुआ है। इसके बाद मैं आधा चम्मच फिर से इसमें लेने वाली हूँ किचन किंग मसाला। हमने यहाँ पर किचन किंग मसाला दो बारी से लिया हुआ है, और फ्रेंड्स इसको मैंने खुद बनाया हुआ था, और आप अगर बताएंगे तो इसका मैं लिंक भी दे दूंगी आपको। तो चलिए, यहाँ पर हमने पैन चढ़ा दिया है, यहाँ पर 3 बड़े चम्मच हमने ऑयल डाला हुआ है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट लिया हुआ था, 1 हरी मिर्च डाला हुआ, क्योंकि मिर्च हमने थोड़ी सी मसाले में भी डाली हुई थी इसलिए हमें ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 मिर्च को हमने ऐड किया हुआ है। जो प्याज आप काटने बहुत ही पतली स्लाइस का, जैसे मैंने काटा हुआ है बिल्कुल पतला पतला सा, वैसा ही काटें। तो यहाँ पर प्याज जो है हमारा पक चुका है, गोल्डन ब्राउन हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ब्राउनिश नहीं करना है मुझे, ऐसा ही रखना है। इसके बाद हम डाल देंगे मसाले, वो मसाले डालेंगे जो मैंने खड़ी धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा और अजवाइन हींग के साथ जो बनाया हुआ था। फ्रेंड्स इस मसाले में हमने नमक नहीं ऐड किया था, आप याद रखिएगा हमने नमक नहीं ऐड किया है, सिर्फ नमक को हमने भिंडी बॉयल करते टाइम ऐड किया हुआ था। ये देखिए, तो अब अच्छे से मसाला पक रहा है। इस समय जो मसाले की खुशबू है फ्रेंड, बहुत अच्छी खुशबू फैल रही थी पूरे किचन में। तो यहाँ पर अच्छे से मसाला हमने पका लिया है। ये देखिए, तो जो मसाला हमने भिगो के बनाया हुआ था, अभी भिगोया था उसको, अब उस मसाले को मैं इसमें डालने वाली हूँ। ये देखिए, इसके बाद मुझे इसमें अब पानी नहीं ऐड करना है, इस मसाले को तब तक पकाना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए, तो क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला था, 3-4 चम्मच पानी था। ये देखिए, तो यहाँ पर मसाला मेरा अच्छे से पक चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर हमने डाला है नमक, नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड करें, क्योंकि हमने थोड़ा सा नमक भिंडी में भी डाला हुआ था बॉयल करते समय, आप इस चीज़ का ज़रूर याद रखें। तो यहाँ पर मसाले हमारे पक चुके हैं, अब ऐड कर देंगे भिंडी। जैसे इसमें भिंडी ऐड करके आप देखिएगा काफ़ी इसमें चिपचिपा सा हो जाएगा, ये देखिए कितनी स्टिकी हो जाएगी जब अच्छे से चलाएंगे आप। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से भिंडियों को मिला लिया है, और मीडियम फ्लेम पर इसको हम चलाते रहेंगे, ये काफ़ी सूखी हो जाएगी। इसके बाद अगला स्टेप लेते हैं, ये देखिए, इसको पकाते हुए मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट हो चुका है, और फ्रेंड जो हमने भिंडी थी कम से कम इसको मैंने 60-70% कुक कर लिया था बॉयल करने में ही, क्योंकि बाद में जब हम बेसन डालते हैं तो भिंडी फिर अच्छे से नहीं पक, कम से कम हमें 70% भिंडी को बॉयल करते समय ही पक जाना चाहिए। यहाँ पर अब हमने ऐड किया है अपना बेसन, जिस बेसन का हमने घोल बना के रखा था। फ्रेंड्स ये देखिए, अब यहाँ पर आपको लगेगा ये सूखी कैसे हो जाएगी और कैसे बनेगी सब्ज़ी, तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। अभी आप देखते जाइए, इसको चलाते रहिए मीडियम फ्लेम पर, आप चलाते रहिए इसको पहले, क्योंकि बेसन गीला है, स्टिकी होता है, चिपकता है, तो आप उसको धीरे धीरे हाथों से चलाते रहिएगा। ये देखिए, तो कितना सूख चुका है, अभी आपको जैसे जैसे चलाते रहेंगे, चलाते हुए आपको बताएंगे कि पूरा एकदम से खिली खिली सी भिंडी हमारी बनेगी। तो ये देखिए, चलाते हुए हमारी भिंडी इस टाइप की हो गई है, ऐसा लग नहीं रहा था कि भिंडी पकेगी। आप देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे भिंडी नहीं पकेगी, लेकिन फ्रेंड भिंडी भी करारी हो गई, और बेसन भी हमारा और मसाले सारे बिल्कुल करारे और अच्छे से पके हुए थे। ये देखिए, आपको चलाते हुए आपको दिखा दूँ इसको, अभी मैं 2-4 सेकंड और भूनने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप भिंडी कलर देखिए, तो अभी मैंने गैस को ऑफ नहीं किया है,
मीडियम फ्लेम पर इसको कंटिन्यू अभी चला ही रहे हैं, जिसमें कि अच्छे से और करारी हो जाए। तो यहाँ पर भिंडी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब करते हैं प्लेटिंग इसकी। तो चलिए ये देखिए, आपको दिखाते हैं चम्मच से उठा के एक एक भिंडी। देख लीजिए आप, कोई भी भिंडी आपस में नहीं चिपकी है, सारी भिंडी बिल्कुल अलग अलग है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरा वीडियो देखा करें और कमेंट किया करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे रजनी वरुण ब्लॉग्स कुकिंग इज आर्ट पे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।